ओम शांति 16 नवंबर 2020, बाबा के महावाक्य मीठे बच्चे तुम इस रूहानी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो तुम्हारा काम है सारी यूनिवर्स को बाप का मैसेज देना प्रश्न अभी तुम बच्चे कौन सा ढिंडोरा पीटते और कौन सी बात समझाते हो उत्तर तुम ढिंडोरा पीटते हो कि यह नई दैवी राजधानी फिर से स्थापन हो रही है अनेक धर्मों का अब विनाश होना है तुम सबको समझाते हो कि सब बेफिकर रहो यह इंटरनेशनल रोला है लड़ाई जरूर लगनी है इसके बाद दैवी राजधानी आएगी ओम शांति यह है रूहानी यूनिवर्सिटी सारे यूनिवर्स की जो भी आत्माएं हैं यूनिवर्सिटी में आत्माएं ही पढ़ती हैं। यूनिवर्स अर्थात विश्व अब कायदे अनुसार यूनिवर्सिटी अक्षर तुम बच्चों का है यह है रूहानी यूनिवर्सिटी जस्मानी यूनिवर्सिटी होती ही नहीं यह एक ही गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है सभी आत्माओं को लेसन मिलता है तुम्हारा यह पैगाम कोई ना कोई प्रकार से सबको जरूर पहुंचना चाहिए मैसेज देना है ना और यह मैसेज बिल्कुल सिंपल है बच्चे जानते हैं वह हमारा बेहद का बाप है जिसको सब याद करते हैं ऐसे भी कहे वह हमारा बेहद का माशुक है जो भी विश्व में जीवात्माए हैं, वह उस माशुक को याद जरूर करती हैं। यह पॉइंट्स अच्छी रीति धारण करनी है जो फ्रेश बुद्धि होंगे वह अच्छी रीति धारण कर सकेंगे यूनिवर्स में जो भी आत्माएं हैं उन सबका बाप एक ही है यूनिवर्सिटी में तो मनुष्य ही पढ़ेंगे ना। अभी तुम बच्चे यह भी जानते हो हम ही चौरासी जन्म लेते हैं चौरासी लाख की तो बात ही नहीं यूनिवर्स में जो भी आत्माएं हैं इस समय सब पतित हैं यह है ही छी छी दुनिया दुखधाम उसे सुख धाम में ले जाने वाला एक ही बाप है उनको लिबरेटर भी कहते हैं तुम सारे यूनिवर्स व विश्व के मालिक बनते हो ना बाप सबके लिए कहते हैं यह मैसेज पहुंचा कर आओ। बाप को सब याद करते हैं उनको गाइड लिबरेटर मर्सीफुल रहमदिल भी कहते हैं अनेक भाषाएं हैं ना? सभी आत्माएं एक को पुकारती हैं तो वह है एक ही सारी यूनिवर्स का टीचर भी हुआ ना? बात तो है ही परंतु यह किसको पता नहीं कि वह हम सब आत्माओं का टीचर भी है गुरु भी है सबको गाइड भी करते हैं इस बेहद के गाइड को सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो तुम ब्राह्मणों के सिवाय और कोई नहीं जानते आत्मा को भी तुम जाना है कि आत्मा क्या चीज है दुनिया में तो एक भी मनुष्य नहीं खास भारत आम दुनिया किसको भी पता नहीं कि आत्मा क्या चीज है भल कहते हैं, भ्रकटी के बीच चमकता है अजब सितारा परंतु समझ कुछ नहीं अभी तुम जानते हो आत्मा तो अविनाशी है वह कभी बड़ी या छोटी नहीं होती जैसे तुम्हारी आत्मा है बाप भी वही बिंदी है बड़ा छोटा नहीं वह भी है आत्मा सिर्फ परम आत्मा है सुप्रीम है बरोबर सभी आत्माएं परमधाम में रहने वाली हैं। यहाँ आती हैं पाठ बचाने फिर अपने परमधाम जाने की कोशिश करते हैं परमपिता परमात्मा को सब याद करते हैं क्योंकि आत्माओं को परमपिता ने ही मुक्ति में भेजा था तो उनको ही याद करते हैं आत्मा ही तमोप्रधान बनी है याद क्यों करते हैं इतना भी पता नहीं जैसे बच्चा कहेगा बाबा बस उनको कुछ भी पता ही नहीं तुम भी बाबा मम्मा कहते हो जानते कुछ नहीं हो भारत में एक नेशनैलिटी थी उनको डीटी नेशनलिटी नेशनैलिटी कहा जाता है फिर बाद में और भी उनमें एंटर हुए हैं अभी कितने ढेर हो गए हैं इसलिए इतने झगड़े आदि होते हैं जहां जहां जास्ती घुस गए हैं उनको वहां से निकालने की कोशिश करते रहते हैं बहुत झगड़े हो गए हैं अंधारा भी बहुत हो गया है कुछ तो लिमिट भी होनी चाहिए ना एक्टर्स की लिमिट होती है यह भी बना बनाया खेल है इसमें जितने भी एक्टर्स हैं, उसमें कम जास्ती हो ना सके जब सब एक्टर्स स्टेज पर आ जाते हैं फिर उनको वापस भी जाना है जो भी एक्टर्स रहे हुए होंगे आते रहेंगे भल कितना भी कंट्रोल आदि करने के लिए माथा मारते रहते हैं परंतु कर नहीं सकते बोलो हम भी के ऐसा बर्थ कंट्रोल कर देते हैं जो बाकी नौ लाख जाकर रहेंगे फिर सारी आदमशुमरी ही कम हो जाएगी हम आपको सत्य बताते हैं अब स्थापना कर रहे हैं नई दुनिया नया झाड़ जरूर छोटा ही होगा यहां तो यह कंट्रोल कर नहीं सकेंगे क्योंकि तमो प्रधान और होता जाता है वृद्धि होती जाती है एक्टर्स जो भी आने वाले हैं, यहाँ ही आकर शरीर धारण करेंगे इन बातों को कोई समझते नहीं है शुरुड बुद्धि समझते हैं राजधानी में तो हर प्रकार के पाठधारी होते हैं। सत्युग में जो राजधानी थी वह फिर से स्थापन हो रही है ट्रांसफर हो जाएंगे तुम अभी तमो प्रधान से सतो प्रधान क्लास में ट्रांसफर होते हो पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जाते हो तुम्हारी पढ़ाई इस दुनिया के लिए नहीं है ऐसी यूनिवर्सिटी और कोई होना सके गॉड फादर ही कहते हैं हम तुमको अमरलोक के लिए पढ़ाते हैं यह मृत्यु लोक खलास होना है सत्युग में इन लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी यह स्थापना कैसे हुई यह किसको पता नहीं है बाबा हमेशा कहते हैं जहां तुम भाषण करते हो तो यह लक्ष्मी नारायण का चित्र जरूर रखो इनमें डेट भी जरूर लिखी हुई हो तुम समझा सकते हो कि नए विश्व की शुरुआत से 1250 पचास वर्ष तक इस डेनास्टी का राज्य था जैसे कहते हैं ना क्रिश्चियन डिनास्टी का राज्य था एक दो के पिछाड़ी चले आते हैं तो जब ये देवता डिनास्टी थी तो दूसरा कोई था नहीं अब फिर यह डिनास्टी स्थापन हो रही है बाकी सबका विनाश होना है लड़ाई भी सामने खड़ी है भागवत आदि में इस पर भी कहानी लिख दी है छोटेपन में यह कहानियां आदि सुनते रहते थे अभी तुम जानते हो यह राजाई कैसे स्थापन होती है जरूर बाप ने ही राजयोग सिखाया है जो पास होते हैं वह विजय माला का दाना बनते हैं और कोई इस माला को जानते नहीं तुम ही जानते हो तुम्हारा प्रवृत्ति मार्ग है ऊपर में बाबा खड़ा है उनको अपना शरीर है नहीं फिर ब्रह्मा सरस्वती सो लक्ष्मी नारायण पहले चाहिए बाप फिर जोड़ा रुद्राक्ष के दाने होते हैं ना? नेपाल में एक वृक्ष है जहां से यह रुद्राक्ष के दाने आते हैं उनमें सच्चे भी होते हैं जितना छोटे उतना दाम बहुत अभी तुम अर्थ को समझ गए हो यह विष्णु की विजय माला अथवा रोंडमाला बनती है वो लोग तो सिर्फ माला फेरते फेरते राम राम करते रहेंगे अर्थ कुछ भी नहीं माला का जाप करते हैं यहां तो बाप कहते हैं मुझे याद करो यह है अजपा जाप मुख से कुछ बोलना नहीं है गीत भी स्थूल हो जाता है बच्चों को तो सिर्फ बाप को याद करना है नहीं तो फिर गीत आदि याद आते रहेंगे यहाँ मूल बात है ही याद की तुमको आवाज से परे जाना है बाबा का डायरेक्शन है ही मन मनाभव बाप थोड़े ही कहते हैं गीत गाओ रड़ी मारो मेरी महिमा गायन करने की भी दरकार नहीं है यह तो तुम जानते हो वह ज्ञान का सागर सुख शांति का सागर है मनुष्य नहीं जानते ऐसे ही नाम रख दिए हैं तुम्हारे सिवाय और कोई भी नहीं जानते बाप ही आकर अपना नाम रूप आदि बताते हैं मैं कैसा हूं तुम आत्मा कैसी हो तुम बहुत मेहनत करते हो पाठ बजाने आधा कल्प भक्ति की है मैं तो ऐसे पाठ में आता नहीं हूं मैं दुख सुख से न्यारा हूं तुम दुख भोगते हो फिर तुम ही सुख भोगते हो सत्युग में तुम्हारा पाठ मेरे से भी उच्च है मैं तो आधा कल्प वहां ही आराम से बैठा रहता हूँ वान प्रस्थ में तुम मुझे पुकारते आते हो ऐसे नहीं कि मैं वहां बैठ तुम्हारी पुकार सुनता हूं। मेरा पाठ ही इस समय का है ड्रामा के पाठ को मैं जानता हूँ अब ड्रामा पूरा हुआ है मुझे जाकर पतितों को पावन बनाने का पाठ बचाना है और कोई बात है नहीं मनुष्य समझते ही परमात्मा सर्वशक्तिमान है अंतर्यामी है सबके अंदर क्या क्या चलता है वह जानते हैं बाप कहते हैं ऐसे है नहीं तुम जब बिल्कुल तमो प्रधान बन जाते हो तब एक्यूरेट टाइम पर मुझे आना पड़ता है साधारण तन में ही आता हूं तुम बच्चों को आकर दुख से छुड़ाता हूं एक धर्म की स्थापना ब्रह्मा द्वारा अनेक धर्मों का विनाश शंकर द्वारा हाहाकार के बाद जय जयकार हो जाएगी कितना हाहाकार होना है आफतों में मरते रहेंगे नेचुरल कैलामिटीज की भी बहुत मदद रहती है नहीं तो मनुष्य बहुत रोगी दुखी हो जाए बाप कहते हैं बच्चे दुखी ना पढ़े रहे इसलिए नेचुरल कैलामिटीज भी ऐसी जोर से आती हैं, जो सबको खत्म कर देते हैं तो कुछ नहीं है। बहुत मदद करती हैं। अर्थक्वेक में ढेर खत्म हो जाते हैं पानी का एक दो घुटका आया यह खत्म समुद्र भी जरूर उछल खाएगा धरती को हप करेगा सौ फुट पानी उछल खाए तो क्या कर देगा यह है हाहाकार की सीन ऐसी सीन देखने के लिए हिम्मत चाहिए मेहनत भी करना है निर्भय भी बनना है तुम बच्चों में अहंकार बिल्कुल नहीं होना चाहिए देही अभिमानी बनो देही अभिमानी रहने वाले बड़े मीठे होते हैं बाप कहते हैं मैं तो हूँ निराकार और विचित्र यहाँ आता हूँ सर्विस करने के लिए हमारी बड़ाई देखो कितनी करते हैं ज्ञान का सागर हे बाबा और फिर कहते हैं पतित दुनिया में आओ तुम निमंत्रण तो बड़ा अच्छा देते हो ऐसे भी नहीं कहते कि स्वर्ग में आकर सुख तो देखो कहते हैं हे पतित तो पावन हम पतित हैं हमको पावन बनाने आओ निमंत्रण देखो कैसा है एकदम तमो प्रधान पतित दुनिया और फिर पतित शरीर में बुलाते हैं बड़ा अच्छा निमंत्रण देते हैं भारतवासी ड्रामा में राज ही ऐसा है इनको भी थोड़े ही पता था कि मेरा बहुत जन्मों के अंत का जन्म है बाबा ने प्रवेश किया है तब बताते हैं बाबा ने हर एक बात का राज समझाया है ब्रह्मा को ही वन्नी पत्नी बनना है बाबा खुद कहते हैं मेरी यह वन्नी है मैं इनमें प्रवेश कर इन द्वारा तुमको अपना बनाता हूं यह सच्ची सच्ची बड़ी मां हो गई और वह अडॉप्टेड मां तहरी। माँ बाप तुम इनको कह सकते हो शि बाबा को सिर्फ फादर ही कहेंगे यह है ब्रह्मा बाबा मम्मा गुप्त है ब्रह्मा है मां परंतु तन पुरुष का है यह तो संभाल नहीं सकेंगे इसलिए एडॉप्ट किया है बच्ची को नाम रख दिया है मातेश्वरी हेड हो गई ड्रामा नुसार है ही एक सरस्वती बाकी दुर्गा काली आदि सब इनके नाम हैं। माँ बाप तो एक ही होते हैं ना? तुम सब हो बच्चे गायन भी है ब्रह्मा की बेटी सरस्वती तुम ब्रह्मा कुमार कुमारिया हो ना? तुम्हारे ऊपर नाम बहुत हैं। यह सब बातें तुम्हारे में भी नंबरवार समझेंगे पढ़ाई में भी नंबरवार तो होते हैं ना? एक न मिले दूसरे से यह राजधानी स्थापन हो रही है यह बना बनाया ड्रामा है इनको विस्तार से समझना है बहुत ढेर पॉइंट्स हैं बैरिस्टरी पढ़ते हैं फिर उनमें भी नंबरवार होते हैं कोई बैरिस्टर तो दो तीन लाख कमाते हैं कोई देखो कपड़े भी फटे हुए पहनेंगे इसमें भी ऐसे हैं। तो बच्चों को समझाया गया है कि यह इंटरनेशनल रोला है अभी तुम समझाते हो कि सब बेफिक्र रहो लड़ाई तो जरूर लगनी ही है तुम ढिंडोरा पीटते हो कि नई देवी राजधानी फिर से स्थापन हो रही है अनेक धर्मों का विनाश होगा कितना क्लियर है प्रजापिता ब्रह्मा से यह प्रजा रची जाती है कहते हैं यह है मेरी मुख वंशावली तुम मुख वंशावली ब्राह्मण हो वह खुख वंशावली ब्राह्मण है वह है पुजारी तुम अभी पूज्य बन रहे हो तुम जानते हो हम सुदेवता पूज्य बन रहे हैं तुम्हारे ऊपर अभी लाइट का ताज नहीं है तुम्हारी आत्मा जब पवित्र बनेगी तब यह शरीर छोड़ देगी इस शरीर पर तुमको लाइट का ताज नहीं दे सकते शोभेगा नहीं इस समय तुम हो गायन लायक इस समय कोई की भी आत्मा पवित्र नहीं है इसलिए किसके ऊपर भी इस समय लाइट नहीं होनी चाहिए लाइट सत्युग में होती है दो कला कम वाले को भी यह लाइट नहीं देनी चाहिए अच्छा मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते धारणा के लिए मुख्य सार पहला अपनी स्थिति ऐसी अचल और निर्भय बनानी है जो अंतिम विनाश की सीन को देख सके मेहनत करनी है देही अभिमानी बनने की दूसरा नई राजधानी में ऊंच पद पाने के लिए पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है पास होकर विजय माला का दाना बनना है वरदान निर्बल दिलशिकस्त असमर्थ आत्मा को एक्स्ट्रा बल देने वाले रूहानी जो रूहानी रहम दिल बच्चे हैं वह महादानी बन बिल्कुल होपलेस केस में होप पैदा कर देते हैं निर्बल को बलवान बना देते हैं दान सदा गरीब को बेसहारे को दिया जाता है तो जो निर्बल शिकस्त असमर्थ प्रजा क्वालिटी की आत्माएं हैं उनके प्रति रूहानी रहम, दिल बन महादानी बनो आपस में एक दूसरे के प्रति महादानी नहीं वह तो सहयोगी साथी हो भाई भाई हो हमशरिक पुरुषार्थी हो सहयोग दो दान नहीं स्लोगन सदा एक बात के श्रेष्ठ संग में रहो तो और किसी के संग का रंग प्रभाव नहीं डाल सकता ओम शांति टू वॉच पीस ऑफ माइंड चैनल वीडियोज ऑन YouTube. Subscribe us on youtube.com slash TV Peace of Mind. Just a click for a peaceful life.